हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है अपने एक और न्यू ब्लॉग में। और जी, ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मॉर्निंग 11 बजे से। तो जो भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और वही, आगे बढ़ने से पहले, आगे देखने से पहले लाइक कर लियो। तो जी, मैं सारा नीचे का काम करके, और भाई जल्दी उठी थी तो मेरा था आज फास्ट सकट चौथ का, तिलकुटनी का व्रत जिसको बोलते हैं। तो फिर मैंने ना जल्दी काम करके, मैं आ गई थी ऊपर छत पे, धूप में बाल गीले थे और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा चल धूप में बैठ के बाल भी सुखा लूंगी, नीचे तो बहुत ठंड लग रही है, धूप अच्छी निकल रही है। और ये कपड़े धोए थे कल, फिर ना सूखे नहीं थे तो मैं मोन्टी में डाल गई थी रात को। अब सुबह फिर मैंने ये धूप में सुखाए थे तो अब सूख रहे हैं, और ऊपर आई हूँ धूप भी ले लूंगी और मैं कपड़ों की तह भी लगा लूंगी। और जी, आज मैं खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। तो खुश तो इसलिए हूँ कि आज भाई बेटे का फास्ट होता है, ये आज का जो व्रत है वो बेटे के लिए किया जाता है, जो मैं भी हूँ अपने बच्चों के लिए। और जी, दुखी इसलिए हूँ क्योंकि आज का दिन मेरी लाइफ का, मतलब एक कहना है ना कि हाँ भाई, कभी नहीं भूलने वाला बुरा दिन है, तो वही है। और वो क्यों है मैं आप सबको बताऊंगी, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कितना बुरा दिन, आज के दिन ने मेरे लिए मेरा मतलब सब कुछ छीन लिया था। और जी, आज के दिन मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो ये तिलकुटनी का व्रत को ना सोमवार का दिन था और 1:20 पे दोपहर में ख़त्म हुए थे, जब कहानी सुनने का टाइम होता है। तो मेरे मायके में नहीं करा जाता है ये, और मेरी ससुराल में करते हैं, तो मैं करती हूँ, और मेरी मम्मी मेरी भाभी वगैरह वहाँ पे नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकती हूँ, जब भी मैं फास्ट रखती हूँ और मतलब काम भी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, पर माइंड में सब बातें ना चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं। इसीलिए थोड़ा सा जी, आज वैसे भी तबीयत खराब थी और वैसे भी माइंड अपसेट था। हर साल हो ही जाता है, मैं फास्ट रखती हूँ, देखो सब काम करती हूँ अपना। भाई शाम को हमारे ना तला हुआ बनता है, जैसे कचौड़ी पकौड़ी पूरी, तो वो सब भी बनाती हूँ, पर माइंड तो अपसेट रहता है। देखो भाई, माँ बाप तो माँ बाप ही हैं भाई, आप समझ सकते हो, सब बहन, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये भी एक सच्चाई है। एक बेटी के लिए एक बाप तो उसकी सबसे बड़ी हस्ती होता है। और जी, वही है कि बचपन में ही छिन जाना, तो फिर यही है, कितना भी दिमाग ना हटा ले और घूम फिर कर वहीं चला जा है। बाकी तो वैसे हर चीज़ की मौज भाई, परमात्मा की दया तो वहाँ भी परिवार में, यहाँ भी कोई कमी ना है ऐसी, लेकिन बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना, तो दिमाग वहीं चला जा है, कितना भी हटा लूँ मैं, तो आज का दिन मैं नहीं भूल सकती कभी भी। और फिर राजीव जी आगे थे ऊपर, क्योंकि ये देख रहे थे कि ऊपर क्या कर रही है, वो ऊपर गई है ना थोड़ी सी उदास, तो इस वजह से। और मैं फिर यहीं लेट गई थी, और जो फिर पूजा का टाइम हो गया था थोड़ी देर लेटने के बाद, तो मैंने कि पहले तुलसी पूजा कर लेती हूँ, बाद में अपना सकट चौथ की कहानी सुनूंगी। तो तुलसी में दिया भी लगा दिया, टाइम से ना ली थी तो मैंने कि तुलसी का भी संभाल लूँ। और फिर ये मैंने उरली साइड धूप कैन मुँह कर लिया था, तो अपना कहानी सुन लेती हूँ। और ये मैं ले आई हूँ तिल, और एक में है रेवड़ी एक कटोरी में, जो ये पानी के ऊपर तिल रखते हैं, रेवड़ी भी रख लेती हूँ मैं तो, इसमें मीठा भी हो जाता है, तिल भी हो जाते हैं, क्योंकि तिल तो अभी कुटे नहीं है, शाम के टाइम इस मतलब चटकाऊंगी, अभी चटकाए नहीं है। और आपने बहन कहानी किस टाइम सुनते हो, सब बहन बताइयो, कमेंट करियो मेरे को, कौन कौन ये फास्ट करती है, कौन कौन नहीं करती है। तो मैं वही लगी हूँ जी अब अपनी कहानी सुनने। अब दिल में बेशक उदासी है, लेकिन अपने काम तो सारे करने पड़ते हैं ना। और फिर मैं लग गई थी भाई, अब पानी दे रही हूँ पेड़ों में, हिम्मत है नहीं बिल्कुल भी मेरी बोलने की। ये पानी इस वाले पेड़ में सूर्य को दे रही हूँ, ये ना मोगरा का पेड़ है छोटा सा, तो कोने में उसी में पानी दे रही हूँ। तुलसी में तो मैंने पहले लगा ही दिया था इस वजह से। और जी फिर आगे थे नीचे, मैंने चाय बना लूं,
थोड़ा सा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। वैसे तो कल शाम को दवाई लेके आई थी, तो दवाई लेके ही चल रही हूँ। अब कोई काम करने वाला है भी नहीं, तो भाई अपना करना है। अगर किसी को ये दिखे कि कोई कर लेगा, हेल्प कर देगा, तो फिर आदमी लेट भी जाओ, लेकिन जब कोई दिखता नहीं है तो करना पड़ता है। वीर की है छुट्टी, और मैंने अदरक खत्म हो गई थी तो अदरक मंगवाई थी। फिर राजीव जी ना, मैं छत पे थी तो वे छत पे ही लेके चले गए, सीधे अंदर नहीं घुसे। तो चाय बन गई है, और जी मेरे को अब लग रही है बहुत ज्यादा ठंड, तो मैं पहले पहनूंगी स्वेटर, क्योंकि चाय नीचे पीऊंगी, ऊपर छत पे नहीं जाऊंगी। वहां पे ना दो तीन भैया आ रहे हैं राजीव जी के दोस्त, तो वे बैठे हैं, इस वजह से नीचे पी लूंगी और अपना स्वेटर भी पहन लूंगी। आ जाओ जी, चाय पी लो। 4 बज गए हैं, और अब चाय पी के और फिर करेंगे जी शाम के खाने की तैयारी। तिल भी चटकाने हैं अभी। ऊपर धूप में तो ना अच्छा लग रहा था, नीचे आके ठंड लग रही है, ऊपर धूप में ना लग रही थी। और आपने बहन किस किस ने कहानी सुन ली है, कौन कौन रखती है सकट का, फास्ट किसने रखा है? आज मेरे से ना बोलना भी नहीं जा रहा है, और फास्ट रखना भी जरूरी था, और काम भी जरूरी था, और दवाई लेके आई थी, दवाई खा के फिर काम कर रही हूँ। आ जाओ आप भी पी लो चाय। और जी अभी मैं बच्चों को दे रही हूँ रोटी सब्जी। वो ना मैंने कचौड़ी पकौड़ी बनाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन सबके गले खराब है, तबीयत ऐसी हो रही, इसलिए नहीं बनाई। बस 4 पूरी तली थी, वो भी गाय की, और थोड़ी सी भुजी बनाई थी, पनीर रखा था थोड़ा सा, तो बस वही भुजी बनाई, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। एक तो देखो माइंड भी अपसेट है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए। और फिर ये तिल चटका रही थी, तो तिल भून रही थी, और यहाँ पर बन रही है चाय। राजीव जी के ना एक दोस्त की तबीयत ख़राब है, तो वो हॉस्पिटल में है, कह रहे मैं उसको देखने जा रहा हूँ, तो थोड़े से दूध में पत्ती घेर दे, 4-5 कप दूध में, कोई और भी मिल जाए वहाँ पे, तो वही मैं पैक कर रही थी, तो रख दिया है, जब जाएंगे ले जाएंगे। और तिल भी मेरे चटक गए हैं, और इनको अब मैं पीस के मिक्सी में, और जी फिर इसमें बूरा मिला दूंगी। और ये वीर यहाँ मेरे आसपास घूम रहा है, कर रहा है शैतानी, गाने गाता घूम रहा है, आपको इसका गाना भी सुनाऊंगी। और सब ने खाना खा लिया, बस मैं ही रह रही हूँ, चंदा का वेट कर रही हूँ, चंदा निकले जब ही खाऊं। और जी काम सारा हो गया है, तो बच्चों ने जो खाना खाया ना, 2-4 बर्तन पड़े हैं, बस अब उन्हीं को साफ करूंगी। और जी आप भी कभी कभी बिना कहे वीडियो ने लाइक कर दिया करो, जो चैनल पर नए आते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। इंडिया में आजकल ये चल रहा है, मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, ऐसे गम के सहारे।